चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, और आज देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जिसके फलस्वरूप या तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देयताओं में कमी आती है। उदाहरण स्वरूप रक्षा पूंजी, भूमि, शेयर्स में निवेश, मशीनरी, उपकरण, भवनों आदि की खरीद, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों और सार्वजनिक उद्यमों को ऋण आदि। इस प्रकार सरकारी व्यय के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के बीच वर्गीकरण का आधार यह है कि परिसंपत्तियों का निर्माण अथवा देयताओं को कम करता है या नहीं। राजस्व व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता, जबकि पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए वेतन व पेंशन का भुगतान, ब्याज अदायगी, आर्थिक सहायताएं, अनुदान और सरकार के सामान्य कामकाज पर होने वाले अन्य व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए पूंजीगत व्यय, यहाँ पे विशेष ध्यान यही देना है कि जो पूंजीगत व्यय होता है वो परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जबकि राजस्व व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। ये था पूंजीगत व्यय। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।